जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? क्लास 10, क्लास 10 टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू वी आर डूइंग लास्ट वीक, दैट वाज द एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके बारे में हमने पिछली दफा पिछले क्लास में पढ़ना शुरू किया था। सो वी वर एट स्पोर्ट्स गुड्स, हमने स्पोर्ट्स गुड्स पढ़ ली थी कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है टू एक्सपोर्ट्स गुड्स टू डिफरेंट कंट्रीज। और मैंने आपको बताया था कि ये जो नाम है कंट्रीज के टू विच पाकिस्तान एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स गुड्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पाकिस्तान अपनी जो स्पोर्ट्स खेलों का सामान है वो किन ममालिक को एक्सपोर्ट करता है, बरामदात जो है वो किन ममालिक के साथ उसकी है। तो हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी एंड अमेरिका आर द इम्पॉर्टेंट बायर्स ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स। तो पाकिस्तान की जो खेलों का सामान है के इम्पॉर्टेंट जो बायर्स हैं वो हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। ये आप अंडरलाइन कर लें, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है जी, नाउ स्टार्ट। लेदर एंड लेदर गुड्स, और पाकिस्तान जो है अपनी चमड़े और चमड़े से बना जो सामान है वो भी एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज को। ठीक है, और एनिमल्स जो हैं गिव अस मिल्क, बटर एंड मीट। अपार्ट फ्रॉम द लेदर, जो हमारे एनिमल्स हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें जो है वो गोश्त और मक्खन और जो दूध है वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा जो सिर्फ यही चीजें हमें नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि अपार्ट फ्रॉम दीज इम्पोर्टेंट ईटेबल प्रोडक्ट्स, देयर हाइड्स आल्सो हेल्प अस मीट आर वेरियस नीड्स। उनकी जो स्किन्स हैं, उनकी जो खालें जिन्हें बोलते हैं, वो भी हेल्प करती हैं टू सेटिस्फाई द वेरियस ह्यूमन नीड्स, इंसानों की बहुत सारी जरूरियात को पूरा करती हैं। देयर आर मैनी टैनरीज इन पाकिस्तान टू डाई एंड प्रिपेयर लेदर। और टैनरीज क्या होती हैं? टैनरीज वो जगह होती है वेयर द स्किन्स आर प्रोसेस्ड, जहां पर जो जानवरों की स्किन्स होती हैं, खाली होती हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनको उनके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनको अप्लाई करते हैं और डिफरेंट चीजें उनसे बनाते हैं। ठीक है, अब मुल्क में बहुत सारी टैनरीज जो हैं वो काम कर रही हैं, और उसमें चमड़ा जो है, लेदर जो है, उसको डाई करने, जिसे रंगना बोलते हैं, और तैयार किया, रंगते हैं और उससे भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं टैनरीज में। और लेदर जो है हैज हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री एंड गुड्स लाइक सूटकेसेस, बैग्स, जैकेट, सैक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। और चमड़े से हम क्या क्या बनाते हैं, बहुत ज्यादा चमड़े की इंडस्ट्री ने तरक्की की है और पाकिस्तान को हेल्प आउट किया है टू फॉरेन एक्सचेंज। और हम चमड़े से सूटकेसेस बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, सैक्स, थैले, जैकेट्स और डिफरेंट और चीजें बनाते हैं। और उसके साथ साथ जूतों की जो इंडस्ट्री है, जो हमारी शू मेकिंग इंडस्ट्री है, इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में जूतों की जो इंडस्ट्री है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और लेदर गुड्स आर मोस्टली एक्सपोर्टेड टू जापान, जर्मनी। लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट होती हैं, जिसमें जापान है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, रशिया, स्पेन, चाइना एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। क्लियर? और 2013 and 2014 के जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो कि इसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान से जो हमारा लेदर और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं लेदर्स की, वो तकरीबन $519 मिलियन जो है वो हमने अर्न किया है।
पाकिस्तान का ऑफ 2013-14, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जो है उसने जो कालीन बनाने और कंबलों और चटाइयों से तकरीबन 106 मिलियन डॉलर जो है उसका जो फॉरेन एक्सचेंज फॉर पैसा है उसे हम जरे मुबादला बोलते हैं, और ये उसने किस तरह हासिल किया है अपनी चीजें एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों से उनका जो पैसा है वो अर्न किया है और अपने मुल्क की सनत जो है उसको इम्प्रूव किया। उसके बाद है सीमेंट। सीमेंट जो है सीमेंट की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है और आफ्टर फुलफिलिंग नेशनल नीड्स टू इट इज एक्सपोर्टेड टू, और हम खुदा के फजलो करम से आफ्टर फुलफिलिंग आवर नेशनल नीड्स हमारी जो मुल्की जरूरियात हैं उनको पूरा करने के बाद हम जो सीमेंट है वो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, बहरीन, इंडिया एक्सेट्रा को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और 2013-14 जो है उसके स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान ने अप्रोक्सीमेटली 415 मिलियन डॉलर जो है उसका सीमेंट जो है वो एक्सपोर्ट किया है, बरामद किया है, और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए काफी जो है वो हौसला अफजा बात है। ठीक है जी। उसके बाद है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जराही के, जैसे हम सर्जरी बोलते हैं, और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं वो भी पाकिस्तान बनाता है, पाकिस्तान जो है मैन्युफैक्चर करता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये इंस्ट्रूमेंट्स पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दीज आर एक्सपोर्टेड टू लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी, और हम ये इन ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक, जो 2013-14 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसने पाकिस्तान ने तकरीबन 281.7 मिलियन डॉलर जो हैं उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो दूसरे इन ममालिक को भेजे हैं और उनसे अपना फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है, जर मुबादला अर्न किया है। और नेचुरली जो हमारा सर्जिकल और मेडिकल इक्विपमेंट का इंडस्ट्री है वो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ आर इंडस्ट्री। ठीक हो गया। उसके बाद है फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। हमारी जो मछली और मछली की बनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है। फिश जो हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। मछली हमारी इंसानी जो गिजा है, खाना है, उसमें प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड फिश फ्रॉम पाकिस्तान इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान की जो बनी हुई मछली है, पाकिस्तान में पैदा हुई हुई मछली जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है पूरी दुनिया में। और कौन कौन सी कंट्री जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट बायर्स हैं ऑफ आर फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स? चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थाईलैंड, कोरिया, मलाइशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, मिडल ईस्ट एंड श्रीलंका। ये हमारे इम्पोर्टेंट बायर्स हैं, इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी मछली। और अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 2013 और 14 पाकिस्तान जो है उसने तकरीबन 292 मिलियन डॉलर की फिश और फिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की हैं, और उससे इतना जर मुबादला जो है अपने मुल्क के लिए कमाया है और अपने मुल्क को जो है वो बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रेवेन्यू, इम्पोर्टेंट जो फॉरेन एक्सचेंज है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में, वो
कमा कर दिया है। उसके बाद है ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमारे खुश्क मेवाजात जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, वो फल और सब्जियां, ठीक है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है ड्राई फ्रूट्स टू इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, अरब कंट्रीज, ठीक है, इन मुमालिक को बेचता है, और श्रीलंका, सिंगापुर एंड मलेशिया को भी वो ये चीजें जो है अपने फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो दे आर ऑल्सो आर बायर्स, एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स आर एक्सपोर्टेड टू ईरान, जर्मनी, मिडल ईस्ट एंड सम कंट्रीज ऑफ यूरोप, ठीक है। वो इटली, ईरान, जर्मनी और मिडल ईस्ट को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ कंट्रीज यूरोप की हैं जिन्हें हम अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स भेजते हैं, ठीक है। और पिकल्स, शरबत, चटनीज, मामलेट एंड जैम्स आर प्रिपेयर्ड, और हम अपने इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जरिए अपनी अचार, चटनियां, जैम्स, मामलेट्स जो हैं, ये पिकल्स बोलते हैं अचार को, शरबत्स वगैरह वो बनाकर दूसरे ममालिक को बेचते हैं। और अकॉर्डिंग टू दी 2013-14 सर्वे, पाकिस्तान जो है उसने अपने ड्राई फ्रूट्स और सब्जियां तकरीबन $586 मिलियन की बेची हैं, और उससे अपना जरे मुबादला जो है वो कमाया है। नाउ बेटा टर्न द पेज, ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, उसके बाद है केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, हमारी जो केमिकल्स हैं और हमारी जो अद्वयात बनाने का शोबा है, फार्मास्यूटिकल्स क्या होती हैं कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं वो कंपाउंड मैन्युफैक्चर करती हैं फॉर द यूज एज अ मेडिकल ड्रग्स, जो के दवाएं बनाने में काम आता है, वो कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करती है। इन द पास्ट मेनी इयर्स द केमिकल्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज ग्रेटली प्रोग्रेस्ड, और हमारे मुल्क में फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स हमारी जो केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसने इट हैज greatly progress, बड़ी तरक्की की है, and many countries of Middle East and Africa are buyers of our chemical and pharmaceuticals, और बहुत सारी Middle East की countries और African countries जो हैं they are the buyers of our chemical and pharmaceuticals, वो हमारे chemicals और जो हमारी दवाएं बनाने वाली इंडस्ट्री है उसके बहुत इम्पोर्टेंट बायर्स हैं मिडल ईस्ट और अफ्रीका की कंट्रीज, और पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है तकरीबन अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 13-14 $963 मिलियन जो है वो केमिकल्स और जो फार्मास्यूटिकल हैं वो बेच के पाकिस्तान ने $963 मिलियन जो है वो अर्न किए हैं, और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है केमिकल और फार्मास्यूटिकल इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान्स इंडस्ट्री, ठीक हो गया। ये हमारे खत्म हो गए हैं एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपने अगर ये क्वेश्चन मेरे साथ कर लिया है तो सवाए इसकी हेडिंग्स के कुछ लर्न करने की ऐसा जरूरत नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा जो इसकी एक्सपोर्ट की जो एक्सपेंसेस हैं, जो पैसा एक्सपोर्ट से जो कमाया है फॉरेन एक्सचेंज, वो आप याद रख लें, और बाकी किन कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट करता है उसकी लिस्ट याद कर लें तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये तो हमने एक्सपोर्ट्स पढ़ी, एक्सपोर्ट्स वो चीजें थी जो हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है शॉर्ट आंसर्स में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स, व्हाट आर एक्सपोर्ट्स एंड व्हाट आर इंपोर्ट्स,
यहाँ डिफाइन इम्पोर्ट्स एंड डिफाइन एक्सपोर्ट्स, तो इसकी आपने छोटी छोटी हेडिंग्स देनी होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट हम वो चीजें करते हैं जो हम बेच रहे हैं अपने मुल्क में बनाकर, और इम्पोर्ट हम वो चीजें करते हैं जो हम खरीद रहे हैं दूसरे ममालिक से। ठीक है, तो अब हमने पढ़नी है अपने मुल्क की इम्पोर्ट्स के, हमारा मुल्क जो है वो क्या क्या चीजें जो है उनको एक्सपोर्ट करता है, बाहर से खरीदता है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो हमारा जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हैं वो 2013 एंड 14 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली जो वॉल्यूम था फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 37104 मिलियन डॉलर। ठीक है, और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें दूसरे ममालिक से खरीद रहा है अपनी जरूरियात को फुलफिल करने के लिए, टू मीट आवर नीड्स, उनमें क्या क्या चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज पाकिस्तान बहुत ज्यादा तादाद में खरीद रहा है दूसरे ममालिक से, उसमें है पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा सेक्टर है वो है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। ठीक है, जो हमारा पेट्रोल है और वो चीजें जो हमारे पेट्रोल से बनती हैं। तो पाकिस्तान हैज टू स्पेंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है दूसरे ममालिक से पेट्रोल खरीदने के लिए। जाहिर है, आपको एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल दे, क्योंकि अगर हम अमेरिका से आप अमेरिका जाते हो और अमेरिका जाके आप कोई कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदते हो, और जस्ट फॉर एग्जांपल उनके पास वो चीज बहुत चीपर है, बहुत सस्ती है, मतलब कोई वो उसको इतनी वैल्यू नहीं करते, उनके लिए $5-6 की चीज जो है या $10 की चीज जो है वो बहुत सस्ती है, क्योंकि उनके $10 उनके हमारे उनके 10 रुपए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो $10 जो है वो $10 नहीं है, क्योंकि $1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 170 रुपए का है। तो वो तकरीबन हमारे पास, उनके $10 जो हैं वो हमारे पास तकरीबन 2500 रुपए के हैं। तो हमारे लिए वो एक लिपस्टिक या एक नेल पॉलिश जो आप $10 की, उनके लिए तो बहुत सस्ती है, लेकिन हमारी जेब के ऊपर भारी है, बिकॉज वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी इन आर करेंसी। हम अगर अपनी करेंसी से कंपेयर करेंगे तो वो अराउंड तकरीबन 2500 रुपए की वो चीज आएगी। ठीक है, तो पाकिस्तान को अमेरिका दूसरे ममालिक से चीजें खरीदने के लिए, क्योंकि नेट जनरली बहुत हर ममालिक की, मोस्टली कंट्रीज की करेंसी जो है वो पाकिस्तान की करेंसी से ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, तो पाकिस्तान को ज्यादा पे करना पड़ता है। सो पाकिस्तान स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी एज अ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम को इम्पोर्ट करने के लिए पाकिस्तान हैज टू पे अ lots of money, or to lessen the amount of foreign exchange spent, many products of petrol and gas are being manufactured in Pakistan. और हम इस जो हमारी पैसा है foreign exchange है, इसके ऊपर burden कम करने के लिए, इस foreign exchange में कमी लाने के लिए, हम जो है petrol और gas से बनी हुई जो चीजें हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बनाएं, और बना भी रहे हैं, और पाकिस्तान अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद, सेटिस्फाई करने के लिए इंपोर्ट करता है ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड अदर पेट्रोल प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक एक्सेट्रा फ्रॉम सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी, ईरान एंड इराक। ठीक है, और ये कुवैत, सऊदी अरब, अबू धाबी, ईरान एंड इराक जो है दे आर those countries which are enriched with petroleum. ये petroleum से माला माल है, इनके पास बेशुमार deposits जो हैं petrol के, वो
इनके पास है, ठीक है। और पाकिस्तान इन ममालिक से ऑयल जो है वो खरीदता है। और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2013-14, पाकिस्तान जो है उसने अपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट की है, जो खरीदी है, उसके लिए 12205 12,205 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। इतना पैसा पाकिस्तान जो है वो इनकी एक्सपोर्ट्स के लिए खर्च करता है, ठीक है। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है फॉरेन एक्सचेंज का, वो ये खरीदने में निकल जाता है, बजाय इसके कि हम अपने डेवलपमेंट वर्क्स के ऊपर वो पैसा खर्च करें, वो हमारा दूसरी ममालिक से चीजें खरीदने में खर्च हो जाता है। नाउ बेटा टर्न योर पेज। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आ जाता है आयरन एंड स्टील, हमारा लोहा और फौलाद, जो वो भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। टू फुलफिल द नेशनल रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इन ममालिक से वी विल हैव टू बाय आवर We will have to buy in order to fulfill our industrial needs, in order to fulfill our national needs. हमें अपनी factories को run करने के लिए we will have to buy. We are in need to buy steel and its manufactured products जो हमें इन ममालिक से खरीदनी पड़ती है ताकि हमारी industry चल सके। और with the help of Russia we have established a steel mill in कराची। हमने रशिया की हेल्प के साथ, रूस की हेल्प के साथ कराची में स्टील मिल्स जो है वो कायम की है। और 2013-14 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान ने 1107 मिलियन डॉलर का जो स्टील एंड आयरन है उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट की है। So, कितना ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को अपनी इन स्टील और आयरन को एक्सपोर्ट करने, इंपोर्ट करने के लिए खर्च करना पड़ा है। उसके बाद है मशीनरी, हमारी जो हैवी मशीनरी होती है, तो बहुत बिग, अ वेरी बिग फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील मशीनरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट टेक्सला। हमने वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ बिग फैक्ट्री टू प्रोड्यूस हैवी इंडस्ट्री इन टेक्सला और हैवी मशीनरी फॉर डिफरेंट फैक्ट्रीज इन मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में भी बन रही है हैवी मशीनरीज। उसके अलावा फिर भी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड एक्सीलेंट क्वालिटी मशीनरी इज इम्पोर्टेड। उसके बावजूद हमें जो बिजली के जनरेटर्स हैं, जो कि हमारे मुल्क में बिजली की किल्लत है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें जो है वो बहुत अच्छे एक्सीलेंट क्वालिटी के जनरेटर्स खरीदने पड़ते हैं। और एक्सीलेंट क्वालिटी की जो मशीनरी है वो हमें स्टिल वी हैज टू इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और 2013-14 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान ने मशीनरी की जो इंपोर्ट है उस पर 5,176 मिलियन ड�उलर 5,176 मिलियन डॉलर जो है वो खत्म की। उसके बाद है केमिकल फिलरी, खाद है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू फुलफिल आर नेशनल रिक्वायरमेंट्स, कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। देर आर सर्टन क्वालिटीज, देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स जो हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं फ्रॉम इराक, टूनिजिया, इटली एंड अमेरिका, ठीक है। स्टिल हम बना भी रहे हैं लेकिन स्टिल वी हैज टू इंपोर्ट केमिकल फर्टिलाइजर फ्रॉम इराक, टूनिजिया जिसे ट्यूनिस बोलते हैं, अमेरिका और इटली से। और 2013-14 के अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स हमने 584 बिलियन डॉलर की
केमिकल फर्टिलाइजर खरीदते हैं। उसके बाद है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल कौन सा होता है? एडिबल ऑयल होता है जो हम खाते हैं, जो खाने वाला ऑयल होता है उसे हम एडिबल ऑयल बोलते हैं, खाने का तेल। और जो पाकिस्तान है वो इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल मोस्टली फ्रॉम अमेरिका, श्रीलंका एंड मलाइशिया। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पाकिस्तान किन ममालिक से खाने का तेल जो है, एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। तो ये एमसीक्यूज में बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत रिपीटेडली आता है। तो ये तीनों ममालिक आपको पता होना चाहिए, अमेरिका, श्रीलंका और मलाइशिया से हम खरीदते हैं एडिबल ऑयल, खाने का ऑयल। और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 13-14, पाकिस्तान जो हैज इंपोर्टेड द एडिबल ऑयल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,608 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, इतने पैसे जो हैं हमने अपने एडिबल ऑयल को खरीदने के लिए, खाने के तेल को खरीदने के लिए पाकिस्तान को खर्च करने पड़ रहे हैं। उसके बाद है टी, चाय जो हम बहुत शौक से पीते हैं और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल जो है कंज्यूम करते हैं हम इसको इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटीज। तो पाकिस्तान इंपोर्ट टी मोस्टली फ्रॉम बांग्लादेश, कीनिया एंड श्रीलंका। बांग्लादेश, कीनिया और श्रीलंका से हम इंपोर्ट करते हैं चाय को, खरीदते हैं। और बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लॉट्स ऑफ मनी जो है इस स्पेंड ऑन दिस, शुमार पैसा जो है वो खर्च करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 13-14 पाकिस्तान हैज इंपोर्टेड 246 मिलियन डॉलर्स टी। ठीक है, पाकिस्तान ने 247 मिलियन डॉलर की चाय इंपोर्ट की है। उसके बाद है मिसिलेनियस, मींस डिफरेंट और प्रोडक्ट्स, मुतफरिकात जिसे बोलते हैं, जो और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम किसी खास हेडिंग के अंडर नहीं पड़ रहे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम उसको नहीं इंपोर्ट करते, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, हमारा बहुत ज्यादा पैसा, जरे मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो खर्च होता है किस चीज को इंपोर्ट करने में, खरीदने में। फार्मास्यूटिकल्स जो हमारी मेडिकल्स ड्रग्स हैं, उनके जो कंपाउंड्स हैं, उनकी जो प्रेपरेशन है, उसकी चीजें, फिर कागज, फिर हमारे ऑर्नामेंट्स जो हमारी दिफाई सामान है, हमारे जिसमें वेपन्स आ जाते हैं सारे, वो चीजें हैं। उसके बाद हमारी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध की जो चीजें बनती हैं वो हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, दालें, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं। उसके बाद कंप्यूटर्स हैं हमारे, वो भी हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं, और मोबाइल और गाड़ियां भी जो हमें हैं वो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। और इस पर हमारा बहुत ज्यादा पैसा जो है पाकिस्तान का वो खर्च होता है। और पाकिस्तान हैज टू पे अ वेरी हैवी अमाउंट, वेरी हैवी रॉ मटेरियल फॉर द परचेज ऑफ दीज आइटम्स। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा इम्पोर्ट्स भी खत्म हो गए हैं। अब आपका इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का क्वेश्चन जो है, अगर आप सिर्फ इनकी हेडिंग्स याद कर लें और हेडिंग्स के अंदर ये चीजें देख लें कि किन कंट्रीज को वी एक्सपोर्ट, किन कंट्रीज को उससे वी इंपोर्ट, ये एक चीज रिमेम्बर करनी है आपने, याद रखनी है। और एक आपने ये याद रखना है कि कितना पैसा उसके ऊपर खर्च करना है। ये अगर आप किसी अपनी कॉपी के ऊपर इसको हेडिंग्स बना के चीजों की, और उसके अंदर सिर्फ आप ये लिख लें कि कौन सी कंट्रीज से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं चीजें और कितना पैसा खर्च करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही कन्वीनियंटली, बगैर लर्निंग, बगैर रट्टे के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक हो गया बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लॉ टर्न योर पेज। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ पाकिस्तान ट्रेड, पाकिस्तान की जो तिजारत है उसके
कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किस तरह वो बनती है, किस तरह उसकी कंपोजिशन होती है, किस तरह उसके अज्जा जो है उनको कंबाइन किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान की तजारत के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ पाकिस्तान ट्रेड, पाकिस्तान की जो बिजनेस है, तजारत है, उसके अज्जाए तरकीबी क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2013-14 पाकिस्तान की जो फील्ड्स, बेसिकली पाकिस्तान जो चीजें एक्सपोर्ट करता है, जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, वो तीन फील्ड्स में है। हमारे पास तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हम जिससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, हम जरे मुबादला कमाते हैं उन चीजों से जो हमारे मुल्क में काफी ज्यादा तादाद में है। और वो तीन सेक्टर्स हैं, तीन शोबे हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान की जो कॉटन है, कपास है, और कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, जो कपास से बनी हुई चीजें हैं, वो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क में कॉटन जो है वो अच्छी तादाद में उगती है, और हम तकरीबन अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का 53.9% जो है वो कॉटन और कॉटन प्रोडक्ट से अवेल करते हैं, हासिल करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, जिससे हम वी अर्न मोस्ट ऑफ आर फॉरेन एक्सचेंज, उसमें चावल है। जो चावल है, राइस है, वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 8.7% जो है उससे हम अपना फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। और थर्ड नंबर पर जो तीसरा सेक्टर है, जो हमारा मेन कंपोनेंट फॉर्म अप करता है ऑफ एक्सपोर्ट, वो है लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स। चमड़ा और चमड़े की बनी चीजें जो हैं, वो पाकिस्तान में 4.9% जो हैं वो हम फॉर्म अप करते हैं, और ये तकरीबन 67.5% हमारी टोटल जो कुल बरामदात हैं उसका 67.5% जो है, तकरीबन 68%, 67.5% जो है वो हम इन तीन सेक्टर से हासिल करते हैं। ठीक हो गया। अब है जी, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है पाकिस्तान के, उसके मुताबिक जो है वो जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, जो कुल बरामदात हैं पाकिस्तान की, उसमें जो हमारी जरूरियात की चीजें हैं, जो हमारी कंज्यूमेबल गुड्स हैं, वो जो हम चीजें को इस्तेमाल करते हैं उन्हें कंज्यूमेबल, कंज्यूम होता है इस्तेमाल करना, खर्च करना, सर्फ करना। तो हमारी जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, उनका हिस्सा जो है वो 15% है। 15% जो है हम कंज्यूमेबल चीजें बना के बाहर भेजते हैं। जो फॉरन, मतलब कंज्यूमेबल चीज क्या होती है, आप बाजार जाते हो, आप एक शैम्पू की बोतल खरीद के लाते हो, तो आप कंज्यूमेबल चीज ले आए हो, आप लाए हो और आपने इस्तेमाल कर ली। आप बाजार गए हो, आप जस्ट फॉर एग्जांपल चॉकलेट लाए हो और लाके खा लिया, वो कंज्यूमेबल आइटम है, जिससे आप फॉरन इस्तेमाल कर सकते हो। तो 15% हिस्सा उन चीजों का है जो रेडी है टू कंज्यूम, खर्च कर, इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसके बाद जो हमारी नीम, जो हमारी सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, नीम तैयार शुदा चीजें जो होती हैं, जो हाफ डन होती हैं, उसका हिस्सा 10% है। मतलब शैम्पू लाए हो, आप शैम्पू के लिए चार केमिकल्स नहीं लाए कि घर जाके मिला के फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं, बल्कि आप बना बनाया लाए हो, वो कंज्यूमेबल है। लेकिन अगर आप बाजार गए हो और आप जस्ट फॉर एग्जांपल कोई चार केमिकल्स खरीद लाए हो और घर लाके उन चार केमिकल्स को मिला के फिर आपने केमिकल बनाना है, तो वो आपकी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ने
क्या मैं आपको किस तरह बताऊं कि आप ऑयल लेकर आते हो दो तरह के, और वो घर ला के आपने उन दोनों ऑयल्स को पका के कंबाइन करके कंज्यूमेबल बनाना है, तो वो आपकी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होगी। आप बाजार जाते हो, आप अपने लिए एक शर्ट खरीद के लाते हो, लेकिन वो अनस्टिच्ड शर्ट है। वो घर लाओगे, आप उसको सियोगे तो पहनोगे, तो वो आपकी सेमी फिनिश्ड है, उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, हाफ डन है, हाफ सिली हुई है, लेकिन बाकी की आपने खुद सीनी है, तो वो सेमी फिनिश्ड है। लेकिन अगर आप बिल्कुल रेडी टू वियर लेकर आओगे, घर ला के पहन लो, तो वो कंज्यूमेबल आइटम है। ठीक है, तो जो हमारी सेमी फिनिश्ड है वो 10% है, और जो मतलब 10% वो है, और जो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो 75% उनका हमारी टोटल एक्सपोर्ट में हिस्सा है। ठीक हो गया। और ये नीचे अच्छा, उसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स। हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं, जो चीजें हम खरीदते हैं, जो चीजें हम मार्केट से दूसरे ममालिक से खरीदते हैं, उनकी कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी अज्जाए तरकीबी क्या है, 2013-14 के जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हमारी कुल एक्सपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ 8 सेक्शंस में है। 8 सेक्टर्स जो हैं उनमें हम टोटल एक्सपोर्ट्स करते हैं, और उनमें मशीनरी, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट, एडिबल ऑयल, लोहा, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर और चाय। और इनका हिस्सा जो है, इनका शेयर जो है हमारी टोटल इम्पोर्ट में, वो तकरीबन 80% है। और पाकिस्तान की जो टोटल हमारी बड़ी जो प्रोडक्ट्स हैं, चीजें हैं, उनका हिस्सा जो है 30% है। और बड़ी जो चीजें हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो बेसिक आइटम है जिससे हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, उनका हिस्सा जो है वो तकरीबन 10% है। और जो हमारी चीजें सिर्फ खाम माल का हिस्सा है वो तकरीबन 51% है, और जो हमारी इस कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनका हिस्सा 9% है। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स है कि जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उन उन वो किस तरह 100% हमें प्रोड्यूस करके देती है। ओके बेटा, इट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीजॉइन आवर लेक्चर फ्रॉम द सेम चैप्टर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।